उसके बाद हमारे पास ग्रुप आता है इलस्ट्रेशंस का। इलस्ट्रेशंस में होता क्या है कि हम सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो हम अपने पीसी से इंसर्ट करना चाहें या ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहें। अभी हम अपने पीसी से कर लेते हैं। अभी हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हो गई है, लेकिन हम इसे मूव नहीं कर सकते। इसे मूव करने के लिए हम यहाँ से इसे कोई भी पोजीशन देंगे, जैसे कि ये पोजीशन हमने दे दी और अब ये मूव हो रही है इजीली। उसके बाद हमारे पास शेप्स का ऑप्शन आता है। शेप्स में हम शेप्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी चाहे हम, जैसे मैं ये रेक्टेंगल वाली ले लेती हूँ, यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी हम चाहें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्मार्ट आर्ट का। हम यहाँ से कोई भी आर्ट जो हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, या वैसे हम कोई भी डायग्राम्स वगैरह यूज़ करना चाहें तो हम वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। जैसा कि हम ये वाले कर लेते हैं। फर्स्ट में हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं कर लेती हूँ MS Office, यहाँ पर MS Word, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चार्ट्स का। चार्ट्स का सीन ये है कि हम यहाँ पे कोई भी चार्ट ऐड कर सकते हैं। लाइंस में हम करना चाहें तो लाइंस में कर सकते हैं, पाई में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, बार में भी कर सकते हैं। इधर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम जो भी चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यही वाला कर लेते हैं।